मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10, आज हम पढ़ रहे चैप्टर 13 पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है, तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पत्र की विशेषताएं। पत्र पारिवारिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। पत्र भेजने वाले की भावना और संदेश को पत्र पाने वाला भलीभांति समझ सके, इसके लिए पत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे संक्षिप्तता। पत्र में क्या होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। पत्र लेखन में अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। पत्र में जो बातें लिखनी आवश्यक है वह नपे तुले शब्दों में होनी चाहिए। सरलता। पत्र की भाषा सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। बड़े बड़े शब्दों का मुंह छोड़कर छोटे बोधगम्य और दैनिक जीवन में काम आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सहजता। आपसी बातचीत में हम जैसी सहज और स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, वैसी ही भाषा शैली का प्रयोग पत्र में करना चाहिए। चूँकि सहजता कार स्वाभाविकता है, अतः पत्र में सर्वत्र स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। प्रभावशीलता। अच्छे पत्र में प्रभावशीलता उत्पन्न करना भी आवश्यक है। पत्र की भाषा ऐसी हो कि वह पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सके। शब्दावली इतनी शक्तिशाली हो कि उसके मन में चित्र सा उपस्थित कर दे। पत्रों के प्रकार। प्रमुख रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं, जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के साथ हमारे संबंध औपचारिक होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र कक्षा अध्यापक प्रधानाचार्य संपादक सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारियों निजी संस्थानों के प्रमुख तथा व्यापारियों आदि को लिखे जाते हैं, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिसे हम औपचारिकता कहते हैं, फॉर्मेलिटी है ना। तो औपचारिक मतलब तक मतलब दिखाना। तो ये ऐसा व्यवहार हम किसके साथ करते हैं, दूसरों के साथ। मतलब जैसे प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक हैं, संपादक हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जो हम पत्र व्यवहार करते हैं उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध होते हैं और जिन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मतलब कि जो हमारे अपने होते हैं उनको लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र हम प्रायः अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। औपचारिक पत्र लेखन निर्देश। देखिए हमें पत्र लिखने के क्या क्या तरीके हमको मालूम होना चाहिए। पत्र में ऊपर बाईं ओर सेवा में लिखना चाहिए। फिर अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखा जाए उसका पद लिखना चाहिए, जैसे संपादक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, स्वास्थ्य अधिकारी आदि। फिर तीसरी बात हमें ध्यान रखना है, पद के बाद उसके कार्यालय, समाचार पत्र, विद्यालय, संस्थान आदि का नाम लिखना चाहिए। आप विषय लिखना चाहिए, इसमें पत्र लिखने का कारण एक या दो वाक्य में लिखना चाहिए। माननीय महोदय या आदरणीय महोदय से पत्र प्रारंभ कर एक या दो अनुच्छेद में विषय को विस्तार पूर्वक समझाना चाहिए। अगले अंतिम अनुच्छेद में समस्या के हल के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध होना चाहिए। फिर अंत में धन्यवाद लिखें। फिर पत्र के विषय अनुसार भवदीय, भवदीया, आपका, आपके आज्ञाकारी शिष्य आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम या काका गाघा लिखें, इसके पश्चात दिनांक लिखें। अनौपचारिक पत्र लेखन निर्देश में देखिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। किसका पता होना चाहिए, पत्र लिखने वाले का, ना कि पत्र भेजने वाले का। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। जैसे आप लिख रहे हैं अपने चाचा जी को पत्र, तो आप अपना पता डालेंगे, पते के नीचे फिर दिनांक डालेंगे। जिसे पत्र लिखना है उसके लिए संबोधन लिखना चाहिए, या अगली पंक्ति में उसके साथ संबंध के अनुसार प्रणाम, चरण स्पर्श या मधुर स्नेह यथा योग्य अभिवादन अगली पंक्ति में लिखना चाहिए। पत्र के पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखा जाए, तथा दूसरे अनुच्छेद में विषय को विस्तारपूर्वक लिखते हैं। तीसरे अनुच्छेद में परिवार के सदस्यों के लिए यथा योग्य अभिवादन, प्यार लिखना चाहिए। अंत में जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध लिखना चाहिए, जैसे तुम्हारा मित्र, आपका भतीजा, आपकी प्रिय पुत्री आदि। तत्पश्चात अपना नाम अगली पंक्ति में लिख देना चाहिए। इस तरह ये पत्र लिखने के नियम होते हैं। आपके बुक में देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो पहले प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, सम्मानजनक संकेत, सेवा में, प्रतिष्ठा में, पत्र पाने वाले के पद का नाम, कार्यालय का नाम, पता, फिर विषय, फिर संदर्भ, फिर संबोधन, पत्र के मुद्दे का परिचय, मुद्दे का विस्तार, निवेदन, फिर आभार, फिर शिष्टतापूर्वक भवदीय आदि, हस्ताक्षर, नाम यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं। फिर संलग्न प्रपत्रों की सूची, प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रतिलिपि में नामों का पद क्रमों की वरिष्ठता के क्रम में होगा और व्यक्ति के का पद, नाम, कार्यालय का नाम एवं पता। ठीक है, इस तरह आपकी बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो समझ में नहीं आता वो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।